हाँ जी, मेरा नाम करण सिंह है, मेरा गांव गेहूँ है, जिला कैथल है। ये धान का टाइम आ गया, धान लगा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी धान होती है और इसीलिए धान की जुताई कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी धान हो, प्रभु की मेहर से ही अच्छी धान होगी। जब बरसात होगी तो धान अच्छी होगी, नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, तो फिर दिक्कत है। और बोलो कि हमारे यहाँ कई एरिया ऐसे हैं जहाँ मक्का कोई अरब वगैरह नहीं होती, सिर्फ धान ही होती है। वहाँ धान ही लगानी पड़ती है, वहाँ मक्का नहीं होगा, ना बाजरा होगा, ना ज्वार होगी, कुछ नहीं होगी। वो खेत खाली रह जाएंगे, धान के अलावा वहाँ और कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरिया हैं, 2400 धान अच्छी हो। हाँ हाँ, कैथल जिला धान में मशहूर है, वो बहुत विदेशों में इसका धान जाता है, बहुत अच्छी पैदावार होती है यहाँ। कैथल जिले को धान का कटोरा बोलते हैं, जो विदेशों में बहुत अच्छी क्वालिटी से उपलब्ध होता है। आल विश्व के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जिला है जहां से धान विश्व में जाता है। ये विश्व रिकॉर्ड है कि कैथल जिला सबसे बढ़िया धान उगाता है और सबसे बढ़िया चावल की उपज कर करके विदेशों में भेजता है, इसीलिए कैथल जिले को धान का कटोरा बोलते हैं। और अभी अभी मौसम, धान का मौसम बुआई या गुड़ाई करने के लिए चालू हो चुका है और ये जुलाई के महीने में जीरी पनीरी जो लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और भगवान से प्रार्थना है कि अच्छी सी बरसात हो और अच्छी जीरी लगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक उपज पैदा कर सकें। धन्यवाद। ऐसा है जी, सरकार की नीतियाँ होती है जो दिन प्रतिदिन अच्छी होती है, लेकिन दुख के साथ कहा जाता है कि जहाँ पर ये चीज़ें अच्छी तरह से नहीं उग पाती, वो अच्छी किस्म का जो भाव होता है वो नहीं दे सकती, और जो धान की जो बुआई है उन खेतों में वो अच्छी उपज दे सकती है, अच्छी कीमत दे सकती है, जितना के मक्का व ज्वार नहीं दे सकती, इसीलिए धान की उपज ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। अगर सरकार पूरा धान का मक्का या अरब घर का कीमत पूरे हिसाब से देगी तो हर एक किसान चाहेगा कि हम भी मक्का या ज्वार बो सकते हैं, बाजरा बो सकते हैं। लेकिन बात है जो MSP पे ही होती है, जितना आप भाव दोगे उतना ही अच्छा उपज पैदा होगी। हमारा नाम मोतीलाल यादव है, बिहार से आते हैं। हमारा 30 साल हो गया आते आते यहाँ पर धान लगाते हैं। यहाँ पर आते हैं तो हम लोग को अच्छा धान लगता है, अच्छा मजदूरी मिलता है। बहुत बढ़िया किस्म का होता है। हाँ, मुन्ना कुमार है, मोतिहारी जिला से आ रहा है। नाम मुन्ना कुमार है, मोतिहारी जिला से आए हुए हैं। यहाँ कैथल में हर साल आते हैं, यहाँ बहुत सारी धान लगती है। हमारे सारे परिवार इस जगह आते हैं और यहाँ से हम लोग कमाई होती है तो हम लोग का घर परिवार चलता है। हाँ, हर साल आते हैं यहाँ पे और पैसा भी मिलता है हम लोग को। बहुत अच्छा धान लगता है यहाँ और होता भी है।